हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों मेरे पास एक सैमसंग का A30 सेट है और दोस्तों इस सेट में आप देख सकते हैं कि इसका जो कनेक्टर है वो टूट गया है टेक्निशियन से, तो दोनों ही टूट गए। और ये जनरली होता है क्या है कि ज़्यादा दबाने की वजह से टूट जाते हैं, तो हम इसको चेंज करेंगे। हमारे पास एक और है, आप देख सकते हैं एक स्क्रैप बोर्ड से हम ये कनेक्टर निकालेंगे और ये मैं नीचे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कनेक्टर डिस्प्ले का है और ये कनेक्टर आपका चार्जिंग का है, सपोर्ट से जुड़ा होता है। जिसका यूट्यूबी या MPC जो केबल लगे होते हैं, जिसका MPC केबल, तो वो भी है, MPC कनेक्टर भी बोल सकते हैं आप उसको। तो हम इनको चेंज करेंगे। ये बोर्ड हमारा बिल्कुल ओके है, थोड़ा ऑन कंडीशन में। देखिए ये कनेक्टर भी थोड़ा सा टेढ़ा है, सारे कनेक्टर ही टेढ़े हैं। ये कनेक्टर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा इन्होंने, तो ये पता नहीं क्या किया है टेक्नीशियन ने। खैर, तो आप तो जानते हैं कि किस तरह से काम करते हैं लोग YouTube के नॉलेज से, आप तो जानते हैं कि किस तरह से काम करते हैं लोग YouTube से। लोगों दुकान वालों को, आजकल दुकान वालों के वीडियो देखते हैं और वो तो बोलते हैं भाई कहीं मत जाओ, YouTube में ही नॉलेज है, वहीं ले लो। तो ऐसे ही काम होगा, वो कहते हैं ना सस्ता रोए बार बार, तो सस्ता रोए बार बार और हजार बार। ये इसकी लाइट IC है, MOLED IC बोलते हैं। ये इसका ट्वेल्व लेकर है, रैम लगा हुआ है सैमसंग का। ये आपका यहाँ पर MMC है और यहाँ पे KLM MMC है और वो भी सैमसंग की है, ठीक है। 32 GB का MMC लगा हुआ है यहाँ पर। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका HDMI DC-to-DC है, ये आपकी चार्जिंग OBP और ये आपका चार्जिंग का कॉइल। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं ये वो में भी हो सकता है कैमरा, ये आपकी ICO जो कैमरे को वोल्टेज दे रही हो, बट इसको चेक करना पड़ेगा। ये बोर्ड टू बोर्ड ICO थी दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे चेक करना होता है। देख सकते हैं आप, डुअल लेकर पे भी काम हुआ नहीं है, बिल्कुल टेस्टेड है, पीछे भी पत्र उतरे नहीं है। ये सब LDOs हैं, एक लाइट टच LDOs हैं, ये LED हैं और ये यहाँ पर वाईफाई से सेक्शन दिया हुआ है। इसका भी एक वीडियो बनाया था A30 का पूरा, आप देख सकते हो उसको, नीचे लिंक डाली है। ये नेटवर्क सेक्शन है और यहाँ पर भी थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, इस वजह से कनेक्टर भी ख़राब होते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी माइक है और ये नेटवर्क सेक्शन है। तो चलो कोई नहीं, सबसे पहले इस कनेक्टर को तो निकाल ही देते हैं। दोस्तों कनेक्टर निकालने के लिए आप ध्यान रखिएगा, आप PCB होल्डर जो है उसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो पीछे लगे जो कंपोनेंट है वो निकल जाएंगे, तो आप निकल सकते हैं। ठीक है, तो कनेक्टर हमारा निकल गया है। बहुत ज़्यादा हीट हमें बोर्ड पे देनी नहीं है, क्योंकि ऐसे में नहीं तो हमारा बोर्ड भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्लीन कर लेते हैं। चलिए अब कनेक्टर को थोड़ा सा क्लीन करेंगे।
तो डी सोल्डर वायर का यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे भी कर सकता हूँ, जरूरी भी नहीं है डी सोल्डर वायर। ठीक है, हमने कैपेसिटर ले लिया है, आप जैसे देख सकते हैं ये हमारे को काम में आएगा। तो चलिए, कैपेसिटर ने अपना काम कर लिया है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। सावधानी से हमें इसको निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जले ना।
हल्का सा थोड़ा सा टूटा भी है, पर हम इसको चला लेंगे। ये देख सकते हैं इस कॉर्नर से थोड़ा सा, चलिए तो हमारे काम हो चुका है। अब मैं आपको कनेक्टर दिखा देता हूं। आप मेरे कनेक्टर देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा काम करना है तो अभी क्या, अभी कॉल लगाओ एयरटेल को, 11 बजे से आपके 11 बजे तक कॉल उठाएंगे, और व्हाट्सएप करो नहीं लग रहा तो फिर से दो बार लगा लो, अगर एक बार मिस कॉल, दो चार बार मिस कॉल भी मारते तो आपको कॉल मिल जाएगा। और अभी अपना सीट बुक कराओ, क्योंकि बहुत कुछ है जो सीखने सीखने के लिए होता है। क्योंकि दोस्तों जो भी यूट्यूब में है या कहीं से भी फ्री जो चीज़ मिल रही है उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आप बताओ जो जो मैं कर रहा हूँ उसको देख कर भी आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि क्या हीट क्या टेक्निक हीट भी बताने का भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सही आपको कॉन्फिडेंस एक गुरु के काम नहीं आएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखने लायक होती हैं। तो दोनों को सेट कर लेते हैं।
चलिए टेस्ट करते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पीछे सब कुछ सही है, ये देखिए, और एक एक टच भी चल रहा है। सर मिस्टर, अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?